मंगेश यादव एनकाउंटर पर बढ़ सकती है यूपी पुलिस की मुश्किलें, परिवार दर्ज कराएगा एफआईआर। सुल्तानपुर लूटकांड में यूपी एसटीएफ ने आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ उसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि एनकाउंटर या बुलडोजर कार्रवाई धर्म जाति देखकर ही हो रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर तो कई बार ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला जरूर बोलते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। मंगेश यादव को घर से उठाकर मारा गया था। मैं सच्चाई जानने के लिए उनके परिवार से मिला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस साजिश करने और एनकाउंटर करने का काम कर रही है। पुलिस को दिए गए मंगेश के परिवार के बयान पर उन्होंने कहा था कि पुलिस के डर से कोई भी कुछ भी बयान दे सकता है। वही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद मंगेश यादव के परिवार ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने की ठान ली है। जी हां, बता दें कि एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक मंगेश यादव के परिवार ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए जाने की मांग को लेकर अब यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील के जरिए चिट्ठी भेजी। अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने चिट्ठी डीजीपी प्रशांत कुमार को ईमेल के जरिए भेजी। मंगेश यादव के परिवार की तरफ से भेजी गई इस चिट्ठी में एनकाउंटर को एक बार फिर से फर्जी बताया गया है। कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने और एफआईआर दर्ज नहीं होने से लीगल एक्शन में देरी हो रही है। देरी होने से सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि इस बारे में पहले ही स्थानीय पुलिस थाने और जौनपुर के एसपी को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही मंगेश यादव का परिवार जल्द ही एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी वजह से लगातार शिकायतें की जा रही है ताकि इन शिकायतों को कोर्ट में आधार बनाया जा सके। अदालत में एनकाउंटर केस की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग किए जाने की भी गुहार लगाई जा सकती है। मंगेश यादव का परिवार इससे पहले अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के जरिए मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत कर चुका है। बता दें कि अखिलेश यादव और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस साजिश करने में लगी है। बता दें कि सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। इस लूटकांड के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव इस लूटकांड में शामिल आरोपियों में से एक था और उस पर 1,00,000 का इनाम भी रखा गया था। वहीं इस एनकाउंटर के बाद से ही यूपी एसटीएफ की टीम पर काफी तरह के सवाल खड़े हुए। विपक्षी पार्टियां मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिख रही है। We'll be right back.